हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रही हैं सिरसा से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल। मैडम, आप तो अधिकारी रही हैं, तो इस तरीके से जनता के बीच जाने का तो पहले जरूरत पड़ी नहीं, कैसे चेंज आपको अप कर पा रही है? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब मैं अधिकारी थी उस समय भी मैं बहुत सी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई थी। रामकिशन मिशन है एक, और वो चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में, तो इस तरह की बहुत से एसोसिएशन से जुड़ के मैंने बहुत से चैरिटेबल जो एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट किया, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, चाहे हम बात करें ब्लड डोनेशन कैंप्स की, ब्लैंकेट डोनेशंस की, एडल्ट एजुकेशन की, इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के लिए कुछ करना, मैं कुछ कर सकूं उनके लिए, तो आई फील गुड। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ मुझे एकदम से ऐसा कुछ नया लग रहा हो कि लोगों के बीच में जाना। ये बात जरूर ठीक है कि अधिकारी रहते हुए आपकी बहुत ज्यादा जो ये जो गांव का जो तबका है उसके साथ आपकी ज्यादा वाकफियत नहीं हो पाती, उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता। और खासकर अगर आप इनकम टैक्स में अधिकारी हैं तो वो तो एक इलीट क्लास जो है, जिसमें जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बस उन्हीं से ही आपका वास्ता ज्यादा पड़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो आई रियली फील गुड एंड एक सोल सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप घूम रही हैं इस इलाके में टिकट मिलने के बाद से, उसके पहले भी आपने एक विधानसभा लड़ा है, तो क्या समस्याएं आप देखती हैं किस इलाके में हैं जो नहीं सुलझ पाई? देखिए, इस इलाके में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि ये इलाका जो है वो आज तक या तो कांग्रेस पार्टी के पास रहा है या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के पास रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद अभी तक बन नहीं पाया 1952 से लेकर। तो उन लोगों ने यहाँ के जो जनता है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनको वोट लेने के बाद उनकी तरफ पलट के नहीं देखा, कहीं किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया। तो ये, बल्कि मैं आपको बताऊं कि आपको जो ये थोड़ा बहुत विकास कार्य जो नजर आ रहा है ना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 सालों में बिना किसी भेदभाव के कि हमारा वहां से विधायक है या नहीं है, हमारा वहां से सांसद है कि नहीं है, बिना किसी भेदभाव के जो काम किए, विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, उसकी वजह से जो है आज लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों को नजर आ रहा है कि हमें तो विकास चाहिए, हमें जो है परिवारवाद की राजनीति में नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर INLD का परिवार जो है, चौटाला परिवार, वही डोमिनेट करता रहा, और इधर से कांग्रेस में आपको मालूम है उसमें गांधी परिवार डोमिनेट करता है। तो लोग अब परिवारवाद की राजनीति से उब चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि विकास होना चाहिए और हमारा देश तरक्की करना चाहिए, हमारा इलाका तरक्की करना चाहिए, हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन आप भेदभाव की बात कर रही हैं, बीजेपी पर सबसे बड़ा इल्जाम जो ओपोजिशन लगाती है वो तो भेदभाव का ही है, जातिगत भेदभाव और अलग अलग क्षेत्रों के साथ जो भेदभाव है वही सबसे बड़ा मुद्दा है ओपोजिशन के पास। नहीं देखिए, अगर भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती तो ये वो इलाका है, आप इसमें देखिए, यहाँ पर सिरसा की अगर हम बात करें तो 550 करोड़ रुपए का फसल बीमा योजना के तहत यहाँ पर किसानों को मिला है। और इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पर जगह जगह गांव में जाकर, कल हमारा एलनाबाद का दौरा था, आज ये डबवाली विधानसभा का दौरा है, तो जगह जगह पर जो गलियां हैं पक्की हैं, सड़कें बनी हुई हैं, गांव जो है वो गांव के जैसा नहीं रहे हम अब। तो इसमें भेदभाव वाली बात कहाँ से आ जाती है, क्योंकि अगर भेदभाव होता तो ये इलाका अब तक और ज्यादा पिछड़ चुका होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिरसा जिला है उसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 में से 1 भी हमारे पास विधायक नहीं है यहाँ पे। और अगर हम टोटल बात करें तो 9 विधानसभाओं में से 1 टोहाना को छोड़कर, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी हैं, उसके अलावा 8 की 8 विधानसभा जो है विपक्षी दलों के पास थी, लेकिन फिर भी बहुत विकास हुआ है। मैंने खुद विधानसभा चुनाव लड़ा रतिया से, और वहां पर INLD का जो है वो विधायक बना, मैं सिर्फ 435 वोट से रह गई थी एट दैट टाइम। तो मैंने बहुत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर करोड़ों रुपए की सौगात दी, अब मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या काम वहां पर करवाए। नागपुर का ब्लॉक बनवाया, और कितने मोची वाली माइनर, दादूपुर माइनर, और उसके अलावा इतने वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए, एक हाई कलोठा पुल है उसका सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, कम से कम 50-60 साल पुरानी जो डिमांड थी उसको पूरा करवाया, और इतने स्कूल जो है नया हडोली नागपुर इन स्कूल्स को अपग्रेड करवाया, बहुत काम वहां पर हमने करवाया। लेकिन आपने कहा कि 52 से सरकार अलग अलग बनती रही, यहाँ पे अलग अलग पार्टी के सांसद रहे, सुनीता इस बार आपको क्यों लगता है कि लोग बीजेपी को वोट डाल देंगे, कुछ खास बदल गया है? बिल्कुल बदल गया है, लोगों ने 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अब फिर से लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, उनको परख लिया, उनको देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्होंने 2014 में जो है उनको हरा दिया,
और यहां से उन्होंने जो आईएनएलडी पार्टी है उनका सांसद चुना रोड़ी, लेकिन रोड़ी ने भी कहीं किसी तरह का कोई काम नहीं किया और 2014 से लेकर 2019 तक तो लोगों ने ये मन बना लिया कि ना तो आईएनएलडी के रोड़ी ने कोई काम किया इन 5 सालों में और ना ही कांग्रेस के अशोक तंवर ने कोई काम किया था पिछले 2009 से लेकर 2014 तक। इसलिए वो ये लोकतंत्र है और लोग जो हैं अब जागरूक हो गए हैं, उनको विकास चाहिए, उनको काम चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किए, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, शौचालय जो बने हैं उनकी बात करें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं जैसे बिना किसी भेदभाव के सभी जगह पर विकास के कार्य करना, पारदर्शिता के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना और नौकरियों में तो बहुत ही खुश है यहाँ के लोगों को, तो आदत ही नहीं थी ईमानदारी के साथ जो नौकरियां मिल रही हैं तो बहुत खुश है लोग के ईमानदारी से, बिना पैसे के भी नौकरियां मिलती हैं, बिना सिफारिश के भी नौकरियां मिलती हैं, तो ये चीज हमें बड़ा जबरदस्त एक जो है हमें बूस्ट दे रहा है और लोग जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा समर्थन मिल रहा है जबरदस्त। पर ये तो खैर आपकी बात सही है कि हरियाणा में बिना पैसे की नौकरी मिलने के बाद ये तो एक कायमी रहा है, सपना ही था, लेकिन वो अगर यहाँ अभी हो रहा है तो ये तो उपलब्धि सरकार की है। बिल्कुल है। और आपको ईमानदारी से बताऊं कि जो एक पढ़ने वाला तबका बच्चों का था ना, जो खासकर जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना होता था, तो वो लोग ना ये भूल गए थे कि हरियाणा में तो आप भूल ही जाओ, वो बच्चे जो आईएएस में सिलेक्ट हो जाते थे यहाँ के एचसीएस वीएचसीएस में किसी में सिलेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि बिना सिफारिश के वो मुनासिब नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब लोग जो है ना वो पढ़ने वाले बच्चे ये बात समझते हैं और बहुत खुश हैं कि अगर आप ईमानदारी से वो मेहनत करेंगे तो अब सफलता उनको यहाँ पे एचसीएस ऑफिसर्स में, एचपीएस में, इन सब में भी मिल सकती है। लेकिन आपकी सरकार पर, बीजेपी की सरकार जो प्रदेश में है उस पर आरोप यही है कि हिंसा रोक नहीं पाई, जितने लोग इस 5 बरस में मर गए पुलिस की गोली से या आपस में झगड़ों में, उतने तो आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी मरे नहीं, किसी स्टेट में ऐसा हुआ नहीं, तो ये सरकार उस फ्रंट पे फेल क्यों ना मानी जाए? नहीं देखिए, कई बार स्थितियां परिस्थितियां इस तरह की हो जाती हैं, कौन सरकार ये चाहेगी या कौन अधिकारी ये चाहेगा कि उसके सामने इस तरह की कोई दुर्घटना हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज इस तरह से इंस्टिगेट हो जाती है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ये जरूर है कि कोशिश ये रहती है, सरकारों की भी रहती है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आगे क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाएं ताकि इस तरह की कोई रिपीटिशंस जो है वो भविष्य में ना हो। तो लेकिन ये जो आरोप है, प्रकाश सिंह कमेटी की भी रिपोर्ट है कि सरकार ने अपने लाभ के लिए इस तरीके के दंगे को रोकने की कोशिश नहीं की, आप इन आरोपों को नकारती हैं? देखिए, ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि जो है कि लाभ के लिए, इससे क्या लाभ मिला, आपको क्या लगता है? ये सवाल जो है बार बार उठता है, क्या लाभ उससे मिल रहा है? हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा उससे, बल्कि इस तरह की चीजें तो मुझे लगता है कि गलत ही हैं। तो ये गलत आरोप है, किसी तरह का कोई ऐसी कोई सरकार की मंशा या सरकार की कोई इसमें कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। तो ये जो है स्थितियां परिस्थितियां कई बार इस तरह की बन जाती हैं, और लेकिन सरकार की जो काम है, सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी की ईमानदार छवि, वो जो है उसकी वजह से लोग जो है बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जबरदस्त तरीके से जनसमर्थन हमें मिल रहा है। जी, आपने भी कुछ एक रोड मैप तैयार किया है, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो किस तरीके से सिरसा, जो विकास से अछूता रहा है आपके हिसाब से, उसको आप प्रगति के रास्ते में लेके आएंगी, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम का वो हिस्सा बने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2-3 फोकस पॉइंट हैं। एक तो ये है कि यहाँ के जो युवा हैं, बच्चे जो हैं, वो ड्रग एडिक्शन में बहुत ज्यादा है। मेरी कोशिश रहेगी कोई ना कोई एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ जाए ताकि उसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स हों, और भी हम अगर युवाओं के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि जिसमें उनको जो है वो नशे से वो दूर रह सकें और इसके साथ साथ नशे का जो कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए, ये कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि हमारी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अच्छी आए, क्योंकि एजुकेशन के मामले में भी काफी पिछड़ा हुआ इलाका है ये। और इसके साथ साथ जो है पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर, कि पानी की समस्या जो है इसका समाधान कैसे निकले, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हम कोई ना कोई ऐसा कोई समाधान निकालें कि किसानों को जो है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग एरिया है। तो ये हमारे कुछ फोकस रहेंगे। सुनीता जी, आपने
पहले, तो अब तो चौटाला परिवार के दो दो परिवार हो गए हैं, तो एक बड़ा गढ़ बन गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, गढ़ तो ये ध्वस्त हो गया है, बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि डेली के हिसाब से हमारे पास INLD के जो बड़े से बड़े धुरंधर 80-80, 90-90 साल के, एक नाम मुझे याद है राजा राम जी, 90-95 साल के करीब उनकी उम्र है, वो देवीलाल जी के जैसे धर्म भाई टाइप से थे वो। अब आप सोच के देखिए कि इतने समय से उस पार्टी में रहने वाले और आज 60-70 साल की जिंदगी जिन्होंने अपनी सिर्फ एक पार्टी में लगा दी, वो आज छोड़ के मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के कामों को देखकर वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। इसका मतलब कि हम कुछ अच्छा कर पाए ना, जो इतने पुराने पुराने इतने बुजुर्गों को देखिए, बुजुर्ग जो है उनको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। आप बच्चों को चेंज कर सकते हैं लेकिन बुजुर्गों को चेंज करना, तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं आपको मिलवाऊंगी, कहीं ना कहीं वो मुझे मिल जाएंगे, वो मेरे किसी ना किसी कार्यक्रम में जरूर आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो इस तरह से जो चेंज आ रहा है, तो लोग व्यवस्था परिवर्तन को देख के बहुत खुश हैं और लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से, उनके जो काम उन्होंने किया, उनकी कार्यप्रणाली को देखकर, जैसे योजनाएं वो गरीब जनता के लिए लेकर आते हैं, चाहे हम बात करें उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान योजना की, ये लोग जिन्होंने बेनिफिट इसमें इनकी वजह से जिनको मिले हैं, वो खुद आके बताते हैं और कहते हैं कि जी हम तो इतने साल से जुड़े हुए थे INLD से या इससे, कांग्रेस से, लेकिन हम ये देख के हमने तो सब उनके झंडे पटके वटके सब फेंक दिए, हम तो बीजेपी के साथ हैं अब। तो बड़ी हमें इस बात की खुशी मिलती है कि सुनीता जी, मैं कश्मीर से लेके अभी महाराष्ट्र तक प्रचार देख के आया हूँ, जितने फ्रेश वाइवेशियस आप हैं, थकान दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों है? क्या किस आप कम प्रचार कर रही हैं या कुछ खास जड़ी बूटी खा रही हैं? नहीं, मैं कैसे नहीं, ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी हुई हूँ, आध्यात्मिकता से मेरा बहुत लगाव है, बहुत जबरदस्त लगाव है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो एनर्जी आपको जो है ना, जब ऑलमाइटी ने कुछ करवाना होता है ना आपसे, तो एनर्जी आपको वही देता है। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है हाई कमान से, तो वहां से जो एनर्जी मिलती है उसी को मैं फर्दर जो है परकुलेट करती हूँ आगे, फर्दर जो है उसमें। और आप मेरे, अगर मेरे साथ आप देखें मेरा शेड्यूल, तो इतना टाइट है, मुझे नहीं लगता कि मैं मुश्किल से 3-4 घंटे से ज्यादा सो पाती हूँ, और सुबह से लेकर कम से कम भी 25-30 गांव तक कवर करने, और उसके बाद जो समय बच जाए तो सिटी कवर करना। तो लेकिन ये बस ये कि, और फिर इसके साथ साथ जो हमारा जो जन समर्थन है ना, अपार जन समर्थन, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद वो सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत एनर्जी देता है। हाँ, और इसके साथ जो है वो पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता, जो बिना किसी इच्छा के वो लगे हुए हैं, उनको ये है अभी कमल का फूल खिलाना है, कमल का फूल खिलाना है, मोदी जी को लाना है, वो भी मुझे बहुत एनर्जी देता है। तो ये दो तीन चीजें जो है मिलकर जो है वो एनर्जी। तो आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ, बिल्कुल 1% भी मुझे डाउट नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि देश शिवावर मोहे, शुभ कर्मण तो कबहू न टरू, न डरू अरसों जब जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये सुनीता दुग्गल हैं, पूर्व IRS अधिकारी और बीजेपी की उम्मीदवार, जीत के प्रति आश्वस्त हैं और दिल्ली में भी मोदी की सरकार बनने की इनको उम्मीद है। सिरसा से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा TV।